so our topic is himachal and introduction we will focus on the important facts only so according to purans himachal is the jalandhar of the himalayas so himachal is what jalandhar of himalayas according to purans the himalayas are described in ancient sanskrit as himavat हिमावन, पर्वत राजा हिमागिरी हिमाचल हिमावंत एंड हिमाकूट संस्कृत लिटरेचर में हिमाचल के क्या क्या नाम है हिमावत, हिमावन, पर्वत राजा हिमागिरी हिमाचल हिमावंत हिमाकूट पुराण मैंशंस दैट ही हु थिंक्स ऑफ हिमाचल दो ही में नॉट बी होल्ड इट Is greater than he who performs worship in Kashi, and shall have pardon for all his sins. Those, while dying, think of snow of its snows, are liberated from their sins. In a hundred ages of gods, I could not tell them of the glories of Himachal, where Shiva lived and the Ganges fell from the foot of Vishnu. लाइक द स्लेंडर थ्रेड ऑफ अ लोटस फ्लावर तो यहाँ पर स्कंद पुराण में मेंशन कोई एक लाइन है वो दी गई है जो हमारे हिमाचल के बारे में है तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट देकर कि किस ग्रंथ में किस पुराण में ये बात कही गई है तो स्कंद पुराण में कही गई है वैसे इसका मीनिंग है कि जो इंसान हिमाचल uh, के बारे में सोचता है ही हु थिंग्स ऑफ हिमाचल की जो हिमाचल के बारे में सोचता है दो ही मे नॉट बीह होल्ड इट बेशक वो वहाँ पर ना हो इज ग्रेटर देन ही हु परफॉर्म्स वर्शिप इन काशी वो उससे ज़्यादा पुण्य कमा लेता है जितना कि अगर वो काशी में जाकर वर्शिप भी करता है पूजा भी करता है उससे ज़्यादा वो पुण्य कमा लेता है जो हिमाचल हिमालयस के बारे में सोचता है एंड शेल हैव पार्डन फॉर ऑल ही सीन्स और उसको अपने सारे पापों के लिए क्षमा मिल जाती है दोज वल्ड डाइंग थिंक ऑफ इट स्नो और जो इंसान मरते हुए इसकी हिमालय इसकी या हिमाचल की जो बर्फ है स्नो है उसके बारे में सोचता है वो क्या हो जाता है अपने सारे पापों से आज़ाद हो जाता है और इसी तरह से आगे स्टेटमेंट दिया गया है इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आपको ये पता हो कि स्टेटमेंट कहाँ लिखा गया है स्कंद पुरान में कालिदास कॉल्ड हिमाचल एस मेजर्स सॉरी मेजरिंग रोड ऑफ अर्थ कालिदास ने हिमाचल को क्या कहा है मेजरिंग रोड ऑफ अर्थ रविंद्रनाथ टैगोर कॉल इट ब्रिज बिटवीन डिविनिटी एंड मैनकाइंड रबीन्द्रनाथ टैगोर ने जो हिमाचल इसको कैसे एक्सप्लेन किया है ब्रिज बिटवीन डिविनिटी एंड मैनकाइंड ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको एग्जाम में क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि मेजिंग रोड ऑफ अर्थ किसने कहा है कालिदास ने ब्रिज बिटवीन डिविनिटी एंड मैनकाइंड किसने कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कंद पुराण लार्जेस्ट महापुराण आइडेंटिफाई फाइव नेचुरल डिवीज़न ऑफ हिमालय पर्वत कि जो स्कंद पुराण है जो लार्जेस्ट महापुराण भी बोला जाता है जिसे उसने फाइव नेचुरल डिविजन्स दिए हैं हिमालय पर्वत के कौन कौन से कश्मीर जालंधर केदार कुरांचल नेपाल और जल जो इसमें जालंधर है उससे एच पी बिलोंग करता है और कुरांचल लेके है अल्मोड़ा यू अ, मतलब उत्तराखंड यूके मतलब यहाँ पर उत्तराखंड जालंधर खंड हिमाचल अभी हमने जैसे पढ़ा कि जो जालंधर है वहाँ से हिमाचल बिलोंग करता है इसके भी फाइव डिवीजन है जालंधर त्रिगत चंपक चंबा कुलुता कुल्लू लाहौल सताद्रु एरिया ऑफ सतलुज सतलुज के एरिया को क्या कहा गया है सताद्रु फॉर हिस्ट्री ऑफ हिमाचल कि हमें देखो हिमाचल की हिस्ट्री के सोर्सिस कौन कौन से हैं कि जहाँ से हमें हिमाचल के बारे में पता चलता है तो फर्स्ट विन इज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एंटिक टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन ब्रिटिश एंड मुगल रिकॉर्ड्स रूरर्स जेनोलॉजिस मतलब वंशावलीस रिलीजियस लिटरेचर ट्रेवलर्स अकाउंट न्यूमिसमेटिक्स कॉइंस तो अब हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे ये सारे के सारे क्या हैं सोर्सेज हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के है? तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मतलब जो पुरातात्विक हमारी खोजें हैं जो हमें मिल पुरानी चीज़ें मिलती हैं उससे हमें पता चलता है हिस्ट्री का जैसे दिया गया है इन मार्च 2018 रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियाज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ए एन एस आई हैव डिस्कवर्ड द होलियन एंड सोहनियन आर्टिफैक्ट्स इन गुमारविन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्मल फैक्टर में दिया गया है कि इंडिया का जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है मतलब हमारा उन्होंने मार्च 2018 में क्या डिस्कवर किया हुलियान एंड सोहानियान आर्टिफैक्ट्स इन्होंने डिस्कवर किया कहाँ पर घुमारविन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घुमारविन जगह पे इन्हें हुलियान एंड सोहानियान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं दिस प्लेस इज क्लोज टू साइट वेयर नाइनटीन सेंचुरी साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फोजल रिमेन्स ऑफ ऑर्गन और एंड द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन शिवा पेठाकुटकुस मतलब जो एक जगह है घुमारविन बिलासपुर में जहाँ पे हमें हुन और सोहनियान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हुलियान और सोहनियान आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें घुमारविन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये उस जगह के बहुत क्लोज है जहाँ पर हमें नाइनटीन सेंचुरी में फोजिल रिमेन्स मिले थे किसके औरंग गुटान के और, और लास्ट कॉमन एंसेस्टर जो ह्यूमंस का है शिवा पिठाकूस अर्लियर ए एस आई हैज दत्तनगर इन 1992-93। इससे पहले 1992-93 के बीच में जो ए एस आई है उसने कहा डिक्ट किया था दत्तनगर में जो दत्तनगर है ये कहाँ पर है ये हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में है शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में दत्तनगर वहाँ पर ए एस आई ने किन्नौर एरिया विच इज एस्टिमेटेड टू टू मिलियन ईयर्स ओल्ड कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कहाँ से प्रूव हुई है फुट हिल्स ऑफ नालागढ़ सुकेती से एक तो नालागढ़ सुकेती जो एरिया है वहाँ के फुटहिल्स से हमको पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन की एग्जिस्टेंस थी और कल्पा नोट से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस थी और जो इन दो एरियाज में ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस है ये कितनी पुरानी है टू मिलियन ईयर्स होल्ड पुरानी है ऐसा हमें प्रूव हुआ है यहाँ पर ऐसे हमें डिस्कवरीज uh, हुई हैं जिससे पता चलता है आर्कोलॉजिकल सर्विस हैव कन्फर्म एविडेंसिस ऑफ टूल्स फ्रॉम दिस एरियाज एंड एस्टिमेटेड टू बी फोर्टी थाउजेंड ओल्ड कि जो हमारा आर्कोलॉजिकल सर्वे है उसने कन्फर्म किया है कि हमें ऐसे टूल्स मिले हैं इन एरियाज से जिनका अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड तो कब होगा फोर्टी थाउजेंड ईयर्स ओल्ड मतलब चालीस हज़ार साल पहले के हैं वो टूल्स जो हमें यहाँ से मिले हैं कुछ एक जगह है गुलेर देहरा ढलियारा एट कांगड़ा इन बानगंगा ब्यास वैली यहाँ से भी हमें टूल्स मिले हैं इन्होंने यही बताया कि हमें टूल्स कहाँ कहाँ से मिले हैं तो गुलर देहरा ढलियारा एट कांगड़ा गुलिर दे ढलियारा एट कांगड़ा इन बानगंगा ब्यास वैली सिरसा सतलुज वैली ऑफ नालागढ़ बिलासपुर फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बिफोर तो सिरसा सतलुज वैली जो नालागढ़ की है बिलासपुर की वहाँ से भी हमको टूल्स मिले हैं पुराने मारकंडा वैली ऑफ सिरमोर फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बिफोर यहाँ पे भी चालीस हज़ार ईयर्स पुराने हमें मिले हैं मारकंडा वैली से सिरमौर की अदर डिस्कवरीज ट्रेसिस ऑफ सोहन लाइक कल्चर इन ब्यास बानगंगा वैली प्लेंटी ऑफ कॉन्स ऑफ वेरियस जनपद्स वर फाउंड जो ट्रेसिस मतलब कुछ अंश जो ट्रेसेज हैं सोहन लाइक कल्चर के जैसे सोहन कल्चर था वैसे हमें कहाँ मिले हैं ब्याज बानगंगा वैली में और बहुत सारे प्लेंटी ऑफ कॉन्स मतलब हमें मिले हैं वेरियस जनपद्स के इस एरिया में जी ई लुइस ऑफ याले यूनिवर्सिटी तो जी ई लुइस का नाम इंपॉर्टेंट है याले यूनिवर्सिटी के थे वाइल्ड डिगिंग इन शिवालिक हिल्स जी ई लुइस ने क्या किया था जब वो शिवालिक हिल्स में डिगिंग कर रहे थे फाउंड अपर जो ऑफ होमिनिड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट एप्स या फिर कपी इनको हिंदी में बोला जाता है इन 1930 तो जी ई लोइस जो थे याले यूनिवर्सिटी के इन्होंने शिवालिक हिल्स में डिगिंग के टाइम क्या मिला इन्हें मतलब इंसान का ऊपरी जबड़ा मिला है का जिसको क्या कहा जाता है ग्रेट एप्स या हिंदी में कपी इन 1930 प्रोफेसर लाल जोशी हैज एस्टिमेटेड ह्यूमन लाइफ इन हिमाचल टू बी ऑफ लेट पीरियड प्रोफेसर लाल और जोशी ने क्या एस्टिमेट किया है कि ह्यूमन लाइफ जो हिमाचल में थी वो कब के टाइम की थी पैलियोलिथिक पीरियड की थी हिमाचल ऑल्सो यविस्टोरिक विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री शेडिड एंड ब्यूरियल्स कि हमें पता चलता है हिमाचल से कि यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक एविडेंसीज भी मिले हैं हिमाचल से हमें प्रोटोहिस्टोरिक एविडेंसेस भी मिले हैं जिसका मतलब क्या है कि पीरियड बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री जब से हमने अपनी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स नहीं रखने शुरू किए थे तो उससे पहले के विच हैज नॉट रिकॉर्डेड बाई नेटिव जो वहाँ पर रहते थे उन लोगों ने जब से हिस्ट्री अपनी नोट करनी भी शुरू नहीं की थी उससे पहले के हमको कुछ चीज़ें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की मिलती हैं जो एविडेंसेस हैं कि उससे पहले भी मतलब ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती थी इन 1955 फिफ्टी मिस्टर सेन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी विजिटेड द नालागढ़ एरिया एंड ट्रेस द एविडेंस ऑफ पैलिथिक मैन इन द रीजन और जी हमें बताया गया था प्रोफेसर लाल और जोशी के द्वारा कि पैली पीरियड से पहले की ह्यूमन लाइफ एस्टिमेट की थी इन्होंने भी प्रोफेसर लाल और जोशी ने उसी तरह 1955 में ही ए डी मिस्टर सैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो ए डी मिसटर सैन थे उन्होंने भी नालागढ़ एरिया विजिट किया और उन्हें भी यहाँ पर क्या एविडेंस मिले है कि पैली मैन थे इस रीज़न में मतलब उस टाइम पीरियड में भी यहाँ पर मैन या इंसान रहते थे एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ हमें हिमाचल से सेटल्ड लाइफ के एविडेंस भी मिलते हैं जैसे एविडेंसिस लाइक पोर्ट्स एंड हैव बीन फाउंड इन रोर नियर कांगड़ा कांगड़ा में भी हमें पोर्ट्स एंड पेंस मिले हैं रोड जो जगह है उस जगह पर द स्टोन टूल्स फाउंड हेयर आर एक्स चिजल्स पिक्स एक्स हैमर्स एंड ड्रिंक स्टोन दैट डेड बैक टू द पोस्ट पैलेस्टोसिन पॉक 1.8 मिलियन इयर्स तो ये सब चीज़ें हमको टूल्स वगैरह हमें यहाँ पर मिले हैं नेक्स्ट इज एंटिक्स टेम्पल्स एंड पेंटिंग्स इसमें देखते हैं हम कि जो टेम्पल्स पेंटिंग्स एंटिक्स हैं उससे हमें हिस्ट्री का कैसे पता चलता है हिमाचल की एच एल शटल वर्थ डिस्कवर्ड अ ग्रुप ऑफ फिफ्टीन रॉक टेम्पल्स एट मसरूर कॉल्ड पिरामिड्स एलोरा ऑफ हिमाचल तो एच एल शटल वर्थ जो थे उन्होंने क्या ढूंढा था जो मसूर का टेम्पल है ना वो किसने ढूंढा था एच एल शटल वर्थ ने जो फिफ्टीन रॉकेट टेम्पल्स का एक ग्रुप है रॉक का टेम्पल इनको क्या बोला पिरामिड्स भी बोला जाता है या एलोरा ऑफ हिमाचल भी बोला जाता है हरग्रीवस बिलीव दैट दीज टेम्पल बिलोंग तो टू एट, एट सेंचुरी एडी तो इन्हीं रॉकेट टेंपल जो है हमारे मसूर रॉकेट टेंपल कांगड़ा वाले इन्हीं के बारे में हार्ग्रीव्स ने क्या कहा है कि जो ये टेंपल्स हैं कब कौन सी से सेंचुरी के हैं एट सेंचुरी ईडी के एट सेंचुरी एडी के बताया है इन्हें मसूर रॉकेट टेंपल के जो फिफ्टीन रॉकेट टेंपल्स का ग्रुप है इनको हारग्रीव्स ने एट्थ सेंचुरी का बताया और उसको ढूंढा किसने डिस्कवर किसने किया है एच एल शटरवर्थ ने Some were found in temple, built by in कुछ हमको कहाँ से मिली है लक्ष्मी नारायण टेम्पल से भी मिली हैकराहहा है, या मकरसा इन कुल्लू और हमारे पास कुल्लू में एक जगह है मकराहहा भी बोलते हैं मकरसा भी बोलते हैं जैसे वहाँ पर एक वुडन टेम्पल मिला है और उसका बताया गया कि सेकेंड सेंचुरी बी का है सेकेंड सेंचुरी बी का हमें एक वुडन टेम्पल मिला है कहाँ पर मकरहा मकर साइन कुल्लू में आइकन ऑफ लॉर्ड विष्णु फाउंडेड फतेहपुर कांगड़ा वाजो फिफ्थ सिक्स सेंचुरी ए एक हमें आइकन मिला है लॉर्ड विष्णु का मतलब मूर्ति हमें लॉर्ड विष्णु की मिली है जो कहाँ पर मिली है फतेहपुर कांगड़ा में फतेहपुर कांगड़ा में और इसका जो टाइम पीरियड है वो कहाँ कब एस्टिमेट किया गया है फाइव सिक्स सेंचुरी ए का शताब्दी की है। The ruins of a large have been which were 800 अब हमें में भी ruins मिले हैं मतलब जैसे किसी चीज के नष्ट होने के बाद उसके पार्ट जो हैं वो मिले हैं यह लार्ज स्तूपा के बताए गए हैं लार्ज तूपा के जो स्तूप थे उनके रूइंस मिले हमें चेंत्रु कांगड़ा में The inscription of fifth and sixth centuries have been found in an idol of stone temple near Chari at Kangra. to so, fifth or sixth century के हमें uh, inscriptions mile hain fifth or sixth century ke inscription mile hain an idol of uh, at stone temple. एक idol पे मतलब मूर्ति पर मिले हैं stone temple uh, जो एक पत्थर का stone temples हैं पत्थर के temples हैं जो वहाँ पर एक जो आइडल है मूर्ति है उस पर हमें फिफ्थ सिक्स सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन मिले हैं किस जगह पर चार ही जगह पर कांगड़ा में नेक्स्ट इज ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन कि कौन कौन से ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें किसका पता चलता है हिमाचल की हिस्ट्री का इन ओल्ड टाइम इंस्क्रिप्शन वर मेड ऑन स्टोन ब्रास कॉपर सिल्वर वूड एंड गोल्ड कि पुराने टाइम में क्या होता था जो इंस्क्रिप्शन थे जो लेख लिखे जाते थे किस पे लिखे जाते थे तो स्टोन पर तभी शिला लेख बोलते थे या ब्रास पर कॉपर पर सिल्वर वुड या गोल्ड पर इन एच पी इंस्क्रिप्शन्स आर मेनली फाउंड इन दीज लैंग्वेज कि हिमाचल में किस किस लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन है वो बताया गया है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि डिफरेंट uh, क्वेश्चन बन सकते हैं करोस्टी ब्राह्मी शारदा टांकरी नागरी कुटीला शंखा भोटियन या तिप्तियन और सिद्धा मत्रिका तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हमारे पास इंस्क्रिप्शन हैं खरोस्टी में ब्राह्मी शारदा टांकरी, नागरी कुटीला शंखा भोटियन या तिप्तियन और सिद्धा मत्रिका द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम हिमाचल डी बैक टू द रूल ऑफ एम्पयर अशोका द ग्रेट जो अर्स्ट हमारे पास इंस्क्रिप्शन है हिमाचल का वो कब का है अशोका अंटिल दिन सेंचुरी चंबा है कितने इंस्क्रिप्शन थे वन थर्टी इंस्क्रिप्शन थे विच प्राइमरली डेल्ट ग्रांट्स कि और जो इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड थे कि जैसे जो ज़मीनें वगैरह दी गई थी लैंड ग्रांट्स दिए गए थे तो उससे रिलेटेड थे वो एक सौ तीस इंस्क्रिप्शन थे प्राइमरिली मतलब तो ज़्यादातर इससे रिलेटेड थे दिस सिस्टम स्टार्टेड इन अराउंड एट्थ सेंचुरी एडी और जो ये सिस्टम था कि अगर आप किसी को लैंड ग्रांड करते हो तो इंस्क्रिप्शन पर लिखोगे ये कब स्टार्ट हुआ था टेंथ सेंचुरी ए डी में स्टार्ट हुआ था और सिक्सटीन सेंचुरी तक वो एक सौ तीस इंस्क्रिप्शन हो गए थे कॉपर प्लेट्स पर जो लिखे गए थे नेक्स्ट है सैरी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ कुल्लू बिलोंग टू फिफ्थ सेंचुरी ए डी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि जो या तो सैरी रॉक इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर कुल्लू में तो कुल्लू में क्या है सैरी रॉक इंस्क्रिप्शन और किस टाइम का है ये फिफ्थ सेंचुरी एडी फिफ्थ सेंचुरी एडी का सैरी इंस्क्रिप्शन कुल्लू में है फिफ्थ सेंचुरी एडी का सैरी इंस्क्रिप्शन कहाँ है कुल्लू में टू शारदा स्क्रिप्टेड प्रस्टीज स्टोन मोनोलिथ कार्विंग्स एट बैजनाथ ट्वेल्व एडी क्लियरली रेफर दैट कीरग्राम कांगड़ा प्रॉपर बिलोंग टू किंगडम ऑफ जलंधर जो इन्होंने बोला है कि शारदा स्क्रिप्ट में प्रसिद्ध हैं वो कहाँ पर मिले हैं मतलब इनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन मोनोलिथ कार्विंग्स ये हमें बैजनाथ में मिली है ये बारह सौ चार एडी की है और इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो कीरग्राम है या कांगड़ा जो प्रॉपर बोलते हैं वो किस कि, आ, किस किंगडम से बिलोंग करता है जलंधर से कॉपर प्लेट ऑफ निर्मल वॉज ईश्यूड बाय महाराजा समुद्र सेन की जो कॉपर प्लेट थी निर्मल में मिले हैं वो किसके द्वारा इशू की, की गई थी महाराजा समुद्र सेन ये कहाँ के थे स्पीति के राजा थे कब आ, ये कब के टाइम की हैं कॉपर प्लेट सेवंथ सेंचुरी डी की है इट ऑल्सो मैंशनड अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ हर्षवर्धन इन दीज एरिया इसने जो कॉपर प्लेट हमें निर्मल में मिली है इससे हमें क्या पता चलता है कि कितना इन्फ्लुएंस था हर्षवर्धन का इन एरियाज पर इसका भी इसमें मेंशन है दिस प्लेट इज बिलीव टू बी गिफ्टेड बाय द सेन रूलर्स ऑफ स्पीति और इस प्लेट को ऐसे माना जाता है कि जो सेन रूलर्स थे स्पीति के उन्होंने गिफ्ट किया होगा अर्लीस्ट स्ट्रोक इंस्क्रिप्शन आर फाउंड एट पथियार वायुला टेम्पल एंड कनिहारा कांगड़ा विचवरिन ब्राह्मेण खरोस्टी तो सबसे अर्लीस्ट जो रॉक इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो कहाँ कौन से हैं पथियार या पथियारा भी बोलते हैं वायुला टेम्पल पथियारा में वायुला टेम्पल में मिले हैं पथियारा में वायुला टेम्पल में और कनिहारा कांगड़ा में विचवरिन ब्राह्मी एंड खरो तो इसका एक आ, हमें याद करने का ट्रिक दिया गया है पी के बी के मतलब पथियारा कनिहारा मतलब इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है पथियारा कनिहारा और कहाँ कौन सी उसमें स्क्रिप्ट में है ये ब्राह्मी खरो ब्राह्मी कनिहारा इंस्क्रिप्शन वर ऑफ कुशान जो कनिहारा इंस्क्रिप्शन है वो किसका है कुशान का है एंड पथियारा इंस्क्रिप्शन वर ऑफ मौर्ज कनिहारा किसका है कुशान का तो कनिहारा कुशान का है और पथियारा इंस्क्रिप्शन किसका है मौर्यन का है इसका भी हमें ट्रिक दिया है के के पी एम कल्याण करो प्रधानमंत्री जी तो के के क्या है हमारे पास कुशान और कनिहारा कनिहारा कुशाण के के कनिहारा कुशाण कनिहारा क्या है uh, कुशान कुशानों का इंस्क्रिप्शन है ये तो के के कनिहारा कुशान और पीएम पथियारा 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 मौरस कल्याण करो प्रधानमंत्री जी कनिहारा कुशान पथियारा मौरस एंड नेक्स्ट इज अच्छा अकॉर्डिंग टू वोगल कनिहारा इंस्क्रिप्शन डेटेड बैक टू सेकेंड सेंचुरी बी सी कैसे बोला गया है कि जो वोगल ने क्या बोला है कि जो कनिहारा इंस्क्रिप्शन है कब के हैं सेकंड सेंचुरी बी सी के हैं कनिहारा इंस्क्रिप्शन कब के हैं सेकेंड सेंचुरी बी सी के हैं वोगल के अकॉर्डिंग और इट ऑल्सो मेन्शंस द फाउंडेशन ऑफ एन अरामा अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बाय अशाज तो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कृष्ण शाह द्वारा बनाई गई थी उसका भी यहाँ पर मैंशन किया गया है तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है सब कनिहारा और पथियारा के बारे में तो जो पथियारा है व्यालु में सॉरी वायलू में मिला है पथियारा वायलू में मिला है टेम्पल में और कनिहारा इंस्क्रिप्शन कांगड़ा में एग्जैक्ट है जो रॉक इंस्क्रिप्शन है पथियारा वायलू टेम्पल वाला और कनिहारा कांगड़ा में ये कहाँ हमारे पास ब्राह्मी और ख्रोस स्क्रिप्ट में है और साथ ही जो हमारे पास कनिहारा है ये कुशान का है पथियारा मोरेंस का है और वोगल ने बोला कि जो कन्हारा इंस्क्रिप्शन है ये सेकेंड सेंचुरी बीसी का है और इसमें एक अरामा अ जो मोनेस्ट्री है कृष्ण द्वारा बनाई गई थी उसका भी इसमें मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन इन शारदा स्क्रिप्ट इज अ स्टोन स्टैब इज अ स्टोन स्लैब एट सराहन अपोजिट साहो तो एक शारदा स्क्रिप्ट में स्टोन स्लैब पे लिखा है सराहन में इंस्क्रिप्शन है एक इंस्क्रिप्शन इन स्क्रिप्ट किस में है शारदा स्क्रिप्ट में है स्टोन स्लैब एट इस सुलानो नियर मैंगलोर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज इंस्क्रिप्शन सुलानो जो मैंगलोर के पास है मंडी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर भी एक इंस्क्रिप्शन है दूनपुर हिल लॉक के इंस्क्रिप्शन ऑफ हाटकोटी जुबल तहसील ऑफ शिमला और हमें कहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है दूनपुर हिल लॉक केव दूनपुर हिलोक केव दूनपुर हिलोक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ हाटकोटी जो हाटकोटी जुबल तहसील में है शिमला में वहाँ पर हमें क्या मिलता है दूनपुर हिलोक केव द अर्लीस्ट जैन इंस्क्रिप्शन फाउंड इज डेटेड 854 एडी जो हमें सबसे पुराना जैन इंस्क्रिप्शन मिलता है वो कब का है 854 एडी का एंड रिकॉर्ड द जीनोलॉजी ऑफ दिगंबर सेट कांगड़ा और इसमें जो 854 फिफ्टी फोर एडी हमें जैन का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन मिलता है उसमें क्या है जीनोलॉजी है वंशावली है किसकी दिगंबर्स की कांगड़ा में द सेकेंड जैन इंस्क्रिप्शन डेटेड 1296 और 1240 फोर्टी ए डी इज़ फाउंडेड बैजनाथ टेम्पल और जो हमें सेकेंड जैन इंस्क्रिप्शन मिलता है वो मिलता है हमें ट्वेल्व या फिर ट्वेल्व फोर्टी का और जो कहाँ पर फाउंड हुआ है बैजनाथ टेम्पल में एंड रेफर्स टू द टीचिंग्स ऑफ श्वेतांबर फेथ इन कांगड़ा की जो कांगड़ा में श्वेतांबर फेथ फैला हुआ था उसके बारे में इसमें बताया गया है जो बैजनाथ टेम्पल में मिला है तो देखो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमें जेन्स का कहाँ मिला है 854 फिफ्टी का मिला है एटी फिफ्टी का दिगंबर सेट कांगड़ा इसमें जीनोलॉजी दी है दिगंबर्स की कांगड़ा में जो फर्स्ट जेन इंस्क्रिप्शन है वो 854 फिफ्टी का है और इसमें क्या रिकॉर्ड किया गया जीनोलॉजी वंशावलियाँ हैं दिगंबर्स की जो कांगड़ा में थे और जो सेकंड हमारे पास जे इंस्क्रिप्शन है वो कब के ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स या ट्वेल्व फोर्टी ए का है और ये बैजनाथ टेंपल में मिला है और इसमें क्या है श्वेतम्बर फेथ जो कांगड़ा में था उनकी टीचिंग्स को इन्होंने बताया है नगरकोट हिल्स वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म जो नगरकोट हिल्स थे वो भी बुद्धिज़्म के इन्फ्लुंस में थे नगरकोट हिल्स जो थे वो किसके इन्फ्लुंस में थे बुद्धिज़्म के ड्यूरिंग द मोरेंस मोरेंस के टाइम बुद्धिस्ट रूलर्स कुशांस गुप्त एंड इम्पीरियल तो ये में ही रहे हमें मिल जाएंगे अलग अलग मोनेस्ट्रीजेट की ब्रिटिश एंडल रिकॉर्ड तो ब्रिटिश और मुगल रिकॉर्ड भी मिलते हैं जैसे गैजटियर्स एंडॉर्स रिटर्न नाइनटीन सेंचुरी तो नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में बहुत सारे और रिकॉर्ड्स लिखे गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू एंड सेटलमेंट अकाउंट्स बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स बनाए गए थे रेवेन्यू अकाउंट एंड सेटलमेंट अकाउंट्स बनाए गए थे लेटर्स एंड सन ग्रांटेड ड्यूरिंग द रे ऑफ मुगल एंड ब्रिटिश हिराल्सो सोसटोरिकल इंफॉर्मेशन जो लेटर्स um, मतलब सेंड किए गए थे या रिसीव किए गए थे या फिर जो सन ग्रांट हुई थी मुगल्स और ब्रिटिश में तो उसका भी हमें सोर्स है वो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट इज रूलर्स जीनियोलॉजीज जो हमारे रूलर्स होते थे शासकों की वंशावलियां वो भी एक हमारे पास क्या सोर्स है दैट इज राजगुरुज़ नॉर्मली रोड द वंशावलीज राजगुरु होते थे वो क्या लिखते थे वंशावलीज लिखते थे विलियम डिसेंट फ्रॉम महादेव विलियम मुरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग अट्ठारह सौ बीस में जो आए थे अठारह सौ बीस से बाईस तक माउल मसिन का ट्रैवल रहा है हिमाचल में तो विलियम मुरक्राफ्ट ने संसार चंद के बारे में कहा था कि वो अपना डिसेंट किससे मानते थे महादेव से बताते थे कि हम लोग उनके डिसेंट हैं मुरक्राट वॉज प्रोमिस्ड अ रिफाइंड वंशावली मुरकर वंशावली ऑन हिज रिटर्न बट वो डाइड फ्यू ईयर्स लेटर सॉरी फ्यू ईयर्स आफ्टर द मीटिंग मुरक्राफ्ट को ही प्रॉमिस किया गया था महाराजा संसारचंद के द्वारा कि वो रिफाइंड वंश हवेली अपने बताएगा जब वो मुरक्राफ्ट वापस आएगा उसके पास महाराजा संसारचंद के पास लेकिन दोबारा से वो मिलने से पहले ही दोनों के दो वो डाई हो गए कैप्टन हारकोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू कैप्टन हारकोर्ट जो थे असिस्टेंट कमिश्नर थे कुल्लू के उन्होंने अप्रैल 1869 से मार्च 1871 तक इन हिज बुक कुल्लू लाहौल एंड लाहौल स्पीति 1871 एडिटेड वंशावली ऑफ राजा हाउस ऑफ कुल्लू तो उन्होंने 1869 से 71 तक के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू थे कैप्टन हारकोट इन्होंने कुल्लू की वंशावलियाँ खोजी थी तो इन्होंने एक बुक लिखी है कुल्लू लाहौल एंड स्पीति एटीन इसमें इन्होंने कुल्लू के राजाओं की वंशावली को एडिट किया है द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कुल्लू

तो ये जो डॉक्यूमेंट है कुल्लू का इसको किससे प्रिपेयर किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है डॉक्टर हीरानंदा शास्त्र हिरानंदा ही शास्त्री के द्वारा जो कि क्या थे डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑफ बरोडा स्टेट ड्यूरिंग नाइनटीन अलेक्जेंडर कनिंगम पब्ल पब्लिश जियनोलॉजीज वंशावलीज ऑफ कांगड़ा नूरपुर मंडी सुकेत चंबा एंड राजौरी राजौरी कहाँ पे जम्मू कश्मीर में अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ यहाँ की क्या वंशावली पब्लिश की थी एडिशनल रीडिंग में कुछ फैक्ट है कनिंगम आल्सो क्लास थ्री मेजर स्टेट्स एज कनिंगम ने कुछ स्टेट uh, को क्लास किया है थ्री मेजर स्टेट्स को कश्मीर तो कश्मीर क्या था बिटवीन इंडस ज, जिसको इंडोस बोला जाता था एंड झेलम झेलम के नाम थे हाइडेस्पीज या बिडस्पीज झेलम के नाम क्या हाइडेस्पीज या बिडस्पीस तो कश्मीर क्या था इन दोनों इंडस या इंडोस और झेलम के बीच का भाग था कश्मीर दुर्गार या डोगरा या फिर जम्मू बिटवीन झेलम एंड रावी तो जो दुर्गार था डोगरा या जम्मू ये बिटवीन किसके था झेलम या रावी के रावी को क्या बोलते हैं हाइड्रोटिस हाइड्रोटिस बोलते हैं रावी को रावी का दूसरा नाम है हाइड्रोटिस झेलम का क्या था हाइडिस्पिस या बाइडिस और रावी का है हाइड्रोटिस त्रिगत कांगड़ा एरिया बिटवीन रावी एंड सतलुज सतलुज को क्या बोलते हैं हाईफेसिस Faces, Satlech, को बोलते हैं जिसको वो भूल गया शिमला हिल्स एरिया बिटवीन सतलज एंड यमुना चिनाब नॉन एज एस्कनीस या Ascanis, हिंदी में बोलते हैं चिनाब इस नाम से जाना जाता था एंड बियास आस ऑल्सो नोन एज हेसी ड्रोस बियास आस ऑलो नॉन एज हेसी ड्रोस